देश भर में 75वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां इस दिन एक अनूठी पहल की शुरुआत करते हुए आध्यात्मिक संत कृष्णा गुरुजी ने देशवासियों के नाम संदेश देते हुए खास अपील की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आध्यात्मिक गुरु कृष्णा मिश्रा की माने तो 75वें स्वतंत्रता दिवस से हर भारतवासी को एक नई पहल की शुरुआत करनी होगी, जहां जिस प्रकार से हमारे घर में किसी व्यक्ति का जन्मदिन होने पर हम उसके लिए खर्च करते हैं, ठीक उसी प्रकार से स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी को पीएम केयर फंड में देश के नाम कुछ ना कुछ डोनेट जरूर करना चाहिए। भारत माता की जय, जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं, 75वीं शुभकामना के साथ आपके बीच में एक आह्वान लेकर आया हूँ, लेकिन कुछ चंद लाइन देश के लिए कि गालिब और टैगोर यही के मीरा कालीदास, अरे गौतम को सच्चाई का यही हुआ एहसास, अरे यही लिया था राम ने सीता के संग वनवास, यह मेरा हिंदुस्तान मेरे सपनों का जहान, इससे प्यार मुझको। पुनः स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना के साथ एक आह्वान, एक संदेश आपके बीच लाया हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप करिएगा। देखिए डोनेशन मतलब होता है डू प्लस नेशन, राष्ट्र निर्माण में जो भी दिया गया दान, सामान्यतः हम डोनेशन करते हैं मंदिर में और सब जगह तीर्थालय में देवालय में, लेकिन आज का दिन है, आज 75वां वर्षगांठ है हमारे देश का। हम एक बुके लेकर आते हैं तो अगर 200 रुपए खर्च आते हैं तो क्यों ना हम हमारे देश के नाम, प्रधानमंत्री जी का संदेश है सबका साथ सबका विकास, और आज उन्होंने किया सबका प्रयास, इस प्रयास की कड़ी में हम उनके शब्दों को बल दें। देखिए राजनीतिक दल कोई भी आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारा राष्ट्र एक रहेगा। तो मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, आज मेरी लिंक दी गई इसमें प्रधानमंत्री राहत कोष की, 75 रुपीज आर 75 रुपीज देकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें, और कहीं ना कहीं वो उमंग कि देश में मेरा सहयोग है। सामान्यतः टैक्स आप देते हैं वो सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन आज हमारे देश के जन्मदिन पर अपनी अमूल्य सहयोग छोटा सा देकर एक अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं, मेरा पूरा विश्वास है, मेरे भाव और मेरा नियत देखकर आप जरूर इसको सहयोग को देंगे, और आने वाले समय में यह मुहिम बनेगी, एक अच्छा पैसा हम इकट्ठा करके देंगे ताकि सब वर्गों के काम आ सके। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। जय हिंद के साथ धन्यवाद। इसके साथ ही गुरुजी ने अपने शिष्यों और भारतवासियों को पीएम केयर फंड की एक लिंक भी प्रदान की है, जिसके माध्यम से हर भारतवासी कुछ ना कुछ डोनेशन पीएम केयर फंड में भेज सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।